हेलो दोस्तों, वी डेयरी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हाउसिंग ऑफ डेयरी एनिमल जनरली तीन तरह की होती है, उसमें से एक थी कन्वेंशनल हाउसिंग। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले वह वीडियो जरूर देखें, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकें। दोस्तों, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में डेयरी एनिमल्स एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे बंधे होते हैं। उनका फीड, फोल्डर, वाटर इनटेक, मिल्किंग सभी उसी प्लेटफॉर्म के नीचे होते हैं। यह सिस्टम बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी या हैवी रेनफॉल वाले इलाकों के लिए सुटेबल है। इस सिस्टम में अगर एनिमल्स कम हो तो एक सिंगल रो में ही एनिमल्स को एडजस्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर एनिमल्स 10 या 10 से ज़्यादा हो तो दो या दो से ज़्यादा रो बनानी पड़ती है। इस रो की एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ये सिस्टम फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, टेल टू टेल सिस्टम। सेकेंड, हेड टू हेड सिस्टम। टेल टू टेल सिस्टम, इस सिस्टम में एनिमल्स की टेल एक दूसरे के सामने होती है। इस सिस्टम में रो के बीच में एक नली होती है जो कि दोनों रो के वेस्टेज को बाहर निकालती है। इस सिस्टम में बीमारी फैलने की संभावना कम होती है। इस सिस्टम में मिल्किंग एक जगह से ही दोनों साइड करना पॉसिबल है। एनिमल अगर हीट में है तो वह भी आसानी से पता चल जाता है। हेड टू हेड सिस्टम, इस सिस्टम में एनिमल्स के फेस एक दूसरे के सामने होते हैं। इस सिस्टम में एक साथ दोनों रो को फीड एंड फोडर इज डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होती है। इसमें काउ वेस्ट ड्रेनेज बाहर की तरफ दोनों साइड होता है जो कि सनलाइट में इजीली ड्राई हो जाता है। इसमें एक ही रो में दोनों तरफ से मिल्किंग करना पॉसिबल नहीं है। इस सिस्टम में बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए।